जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं अभय राठौर, हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन अभय राठौर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, नज़दीक आ चुका है आपके अग्निवीर की रैली, हमारी अग्निवीर की रैली। देखिए दोस्तों, दुर्ग स्टेडियम में है, दुर्ग पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में है आपका रैली। और आप सभी को भली भांति पता होगा कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का छत्तीसगढ़ अग्निवीर की रैली है दुर्ग स्टेडियम में ना, दुर्ग में। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दस्तावेज। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट में मैं बात करने वाला हूँ अग्निवीर में चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है आप अभी भी कि छत्तीसगढ़ में अग्निवीर की रैली हो रही है, वो तो आप सभी को पता है, लेकिन अभी तक आपको ये बात पता नहीं है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है बनेगा कैसे, बनेगा कहाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या कैसा, पूरा मैं प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र जो थाने से बनता है वो सिर्फ 2 तरीके से बनता है। तो पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो देखिए दोस्तों, ऑफलाइन के चक्कर में यदि आप पढ़ोगे तो आपकी जो अग्निवीर की रैली है पूरी तरीके से मिस हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बात ही आप सभी को पता है कि ज़्यादा दिन नहीं बचा, 1 तारीख से रैली है और आज दोस्तों आपका 25-26 तारीख चल रहा है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि कितना दिन टाइम बचा है। और दोस्तों, इन बचे खुचे टाइम में यदि आप हिम्मत हार चुके, तो मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ अग्निवीर की चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगी अग्निवीर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए, मत पड़िए, मत पड़िए। मैं आपको शानदार तरीका बनाना चाहता हूँ, 2 दिन में आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन सकते हो। ऐसे भी तो आपके पास अभी 4 से 5 दिन बचे हैं, यदि आपकी 1 तारीख की भी रैली होगी तो आप 4 से 5 दिन आपके पास बचे हैं और 2 दिन में चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उसको ऑनलाइन बनाएं। आप ऑनलाइन प्रोसेस में क्या क्या लगेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, आपका ना 10वीं का रिजल्ट लगेगा ओरिजिनल, जहाँ पे आप ऑनलाइन कराओगे, ठीक है। उसके बाद आपके एक ओरिजिनल फोटो वो तुरंत का होना चाहिए या 1-2 महीना पिछला होगा चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10वीं का रिजल्ट लगेगा, आपका फोटो लगेगा और आपका आधार कार्ड लगेगा और ईमेल आईडी तो आप सभी को पता है दोस्तों, तो ईमेल आईडी लगेगा बस, और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। इतना चीज़ रख के आप जाओ और कोई भी चॉइस सेंटर, ऑनलाइन सेंटर में जा सकते हो या अपने खुद नज़दीकी मोबाइल या किसी में भी ऑनलाइन डाल सकते हो। और जैसे कि आप चॉइस सेंटर में जाते हो तो आप सभी को पता है ऑनलाइन करने का 100 रुपये चार्ज लिया जाता है ऑनलाइन द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन बनाएं और किसी भी अभी गलत कन्फ्यूज में मत रहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरा चरित्र प्रमाण पत्र थाने से नहीं बना हुआ था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, पैसे की थोड़ी कमी हो चुकी थी और ऑफलाइन वाला पता था। मैं बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भैया हैं जिनसे पूछा था कि चरित्र प्रमाण पत्र पैसे कैसे बने, तो उन लोगों ने एक ही सजेशन दिया था कि आप नोटरी करवाओ, फिर आप ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ, यहाँ के जमा करो, इतने दिन में आएगा, बहुत झंझट टाइप का लग रहा था मेरे को, क्या होगा, कैसा करें, कैसा नहीं, ये सब लग रहा था। और ऐसे में कम से कम मेरा 60 से 70 रुपये फालतू खर्चा भी हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, फिर दोस्तों कि अग्निवीर की रैली के लिए कोई भाई ने मेरे को बताया, वो कोई पहचान का नहीं था, फिर उन्होंने बताया मेरे को कि 100 रुपये में ऑनलाइन बनता है, तो मैं अपने दोस्त के साथ जाकर फटाफट बनवा लिया। और दोस्तों, मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है 1 दिन में बन गया, कहने को मतलब आज फॉर्म डाला, कल तक का पुलिस थाने से कॉल आ चुका था मेरे को और मेरा फाइनली चरित्र प्रमाण पत्र बन के ओके हुआ है। मैं अभी तक लाने नहीं गया हूँ, तो बहुत जल्द ला लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहता था कि दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज में मत रहें, फटाफट बनवा लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड निकला है उसको नोटरी करवा लीजिए, आप तहसील या किसी वकील को पकड़ कर नोटरी करवा लीजिए। नोटरी करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये चार्ज लेता है, वो करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी यदि रैली है तो आप रैली में यदि जाना चाहते हो तो दोस्तों, आप पूरे व्यवस्था के साथ जाइएगा, मस्त ओढ़ने बिछाने का रख लेना। और दोस्तों, ज़्यादा कहने का मतलब लड़प्पन गिरी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आर्मी वाले आपके पास ज़्यादा नहीं आएंगे कि चलो वहाँ पे, चलो वहाँ पे। दोस्तों, आपको एकदम स्ट्रांग रहना है और बिना बोले पूछे ज़्यादा ही बोक बोक और ज़्यादा लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि बहुत मार सुने में आई है कि बहुत मारते हैं वहाँ पे,
बहुत प्रकार की जो अपडेट निकली है, तो उससे पहले आप खुद समझदार है, खुद सावधान है, चलो नेक्स्ट वीडियो में रह जाए।